हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी रियल एड सेकेंड सेमेस्टर से, जो आपका साइंस है, जी हाँ विज्ञान, उसके तहत केमिस्ट्री का पार्ट यानी कि रसायन विज्ञान का पार्ट। उसमें मैं बात कर रहा था अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, यानी कि आपका एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। तो अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं पार्ट वन में। ये रियल एड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान पार्ट टू है, जिसमें हम लवण के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं, आज यूपीटीईटी 2018 का जो यस्टरडे आपका पेपर हुआ था, कुछ क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व करवाए थे। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आज मैं अपनी लाइव क्लास में जो है सॉल्व करवाऊंगा। 8:30 बजे डेली आपकी लाइव क्लास होती है, तो बिल्कुल भी आना मत भूलिएगा। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पर जो है देखने को आपको मिलेंगे। बाकी आप लोगों को मैं बता दूँ कि अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जो है क्रैश कोर्स अवेलेबल है डी एल एड सेकेंड सेमेस्टर का। दो दिन और लगेगा जो है, इंग्लिश पर मैं काम कर रहा हूं, तो अंग्रेज़ी का जो क्रैश कोर्स है आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने जो है क्रैश कोर्स को, इंग्लिश के क्रैश कोर्स को लेकर के। यहाँ पर सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं सॉल्ट में। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि वह पदार्थ जो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के फलतः बनते हैं। जी हाँ, जब हम बात कर रहे थे अम्ल को लेकर के, क्षार को लेकर के, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से एक इक्वेशन थी अम्ल और क्षार का, जब जो है एक तरीके से मेल होता है या अम्ल प्लस क्षार, ये क्या होकर क्या बनेगा आपका, लवण और साथ में जल निकलता है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे एक लाइन में बोल सकते हैं कि वह पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद यानी कि उनसे रिएक्शन करने के बाद आपका सॉल्ट या जो है लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है धनायन, प्रायः धात्विक आयन, जब धन आयनों की बात होती है, धात्विक आयनों की बात होती है, वह किसी अम्ल के ऋण आयन, जैसे आपका Cl- हो गया, SO4- हो गया, या सल्फेट आयन है, क्लोराइड आयन है आपका, यदि आदि से जो बने यौगिक होते हैं वो लवण कहलाते हैं। जैसे आपका धन आयन मतलब सोडियम ले लिया आपने, Na+ ले लिया, ठीक है, SO4- आपने यहाँ पर Cl- ले लिया जो कि आपका ऋण आयन है, तो सोडियम का Na4+ और जो ऋण आयन है यानी कि Cl-, ये आपका मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं कि एक लवण जो है बनके तैयार हुआ। अभी आगे जो है लेटर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या कुछ बातें हो रही हैं, उदाहरण के माध्यम से जब हम समझेंगे तब। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, जब किसी अम्लीय विलयन को क्षारक विलयन के साथ मिलाते हैं, आप थर्ड टाइप से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। जी हाँ, जब किसी अम्लीय विलयन को क्षारक विलयन के साथ मिलाते हैं तो जल के अलावा जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली आप ये इक्वेशन देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है, कोई अम्लीय विलयन है, ठीक है, आपने क्षारीय विलयन के साथ उसको जो है अभिक्रिया कराई या उसके साथ आपने मिला दिया और फाइनली प्रोडक्ट या उत्पाद के रूप में आपको देखने को मिला कि जल और साथ में कुछ और भी चीज। जी हाँ, तो वो चीज, वो यौगिक, वो पदार्थ जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। आप ऐसे भी बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल देखिए, मैंने बोला एक अम्ल है और एक क्षार है, या क्षारक आपका जो है ये क्या बना, एक लवण और यहाँ पर जल निकला। ठीक है, अम्ल मैंने ले लिया HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, मैं कोशिश करूंगा एक बार जो है किसी एक वीडियो में कि सारे के सारे जो आपके फॉर्मूले होते हैं उनको मैं बता दूं कि कौन सा क्या होता है और आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए H कैपिटल है, C कैपिटल है और L स्मॉल है आपका। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ आपको लिखना है। N कैपिटल है, A स्मॉल है, OH आपका कैपिटल में है, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, ये प्रबल क्षार होता है आपका, जिसकी एक तरीके से अगर मैं pH वैल्यू की बात करूं तो वो 14 होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, ये क्या बनेगा, ये वाला H आपका जो है वो इस H के साथ में संयोग करके और O के साथ में संयोग करके जल बनाएगा, जबकि ये Na इसके साथ में संयोग करके जो है क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी लवण। तो देखिए ये Na+ + Cl- दोनों की संयोजकता बराबर है। ठीक है, वैलेंसी संयोजकता मैं पढ़ा चुका हूँ केमिस्ट्री में, आप ही के DL8 सेकेंड सेमेस्टर में। NaCl हो गया ये प्लस H2O, क्या बोला था मैंने, अम्ल और लवण मिलकर के जो है क्या बनाएंगे, सॉरी अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाएंगे, लवण और जल का जो है निकलना। यहाँ पर कुछ ऐसा भी है कि H2SO4+ Zn या Zn SO4+H2 हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पर जल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें आरहेनियस की जो थ्योरी थी और ब्रांस्टेड और लॉरी की जो परिभाषा थी वो दोनों अलग अलग हैं, उनके हिसाब से ये जो है इक्वेशन है। यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, आप दूसरी वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं। नोट में लिखा हुआ है आरहेनियस की अम्ल व क्षारक की धारण
की जो धारणा है वो व्यापक नहीं है, क्योंकि वह जलीय विलयन तक ही सीमित है। जी हाँ, वो जलीय विलयन के बारे में ही केवल बात करते हैं जो है लिक्विड एक सॉल्यूशन को लेकर के ही सीमित है। जबकि ब्रांस्टेड की अगर बात की जाए, स्पेलिंग लिखी हुई है वह लॉरी LOWRY की जो परिभाषा है वो जलीय और अजलीय दोनों के लिए होती है, तो आप इसमें जो है वो चीज़ बता सकते हैं। अगर मैं लवणों के प्रकार की बात करूँ तो आपको कई प्रकार के लवण देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने डिटेल में यहाँ पर नहीं लिखा है। अगर आप टाइप्स लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे सामान्य लवण होता है जो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, जैसे आप एक एग्जांपल में सोडियम सल्फेट बता सकते हैं जो कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है। आप सोडियम क्लोराइड, सबसे बड़ी बात पोटेशियम क्लोराइड, NaCl, KCl, ये सारे क्या हैं आपके जनरल या नॉर्मल सॉल्ट में आते हैं, जनरल नहीं बोलेंगे, नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं ये, ठीक है। जब आप अम्लीय लवण की बात करेंगे तो अम्लीय लवण में सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, जैसे NaHCO3, ठीक है, या NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट होगा, ठीक है, तो सोडियम बाइसल्फेट हो गया। H जहाँ होता है उसको हम बाई बोलते हैं, ध्यान रहे। जैसे मैंने बोला NaHCO3, तो मैंने बोला Na आपका सोडियम हो गया, H आपका बाई हो गया, CO3 कार्बोनेट हो गया, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। जैसे NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। भास्मिक लवण, तो भास्मिक लवण में जो है आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैग्नीशियम जो है एक तरीके से लेड हाइड्रोक्साइड का, जैसे PbOH का होल ट्वाइस हो गया आपका, या लेड कार्बोनेट का Pb2CO3 लेड कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है आपका जो है, या आप जो है CuCO3 लिख सकते हैं, इसमें भास्मिक हो जाएगा। जब आप मिश्रित लवण की बात करेंगे तो कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, जी हाँ, मिश्रित लवण आपका विरंजक चूर्ण जिसको बोलते हैं, कई बार आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। आपको इसमें जो है पोटेशियम सल्फेट का भी एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है द्विक लवण की अगर मैं बात करूं, ये जो मैं बोल रहा हूं आप लिख सकते हैं, लेकिन आपके डीएलएड में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी पूछा जा सकता है, इसके लिए कोई भी वो नहीं है। अगर मैं द्विक लवण की बात करूं, तो द्विक लवण में आप जो है काफ़ी बड़े बड़े सॉल्ट होते हैं, खैर आप इतना ही बता सकते हैं कि दो सरल लवणों जो नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं उनके जलीय विलयन के वाष्पीकरण के फलस्वरूप जो है आपके द्विक लवण देखने को मिलते हैं। संकर लवण, जी हाँ, कॉम्प्लेक्स जिसको या हाइब्रिड अब बोल सकते हैं, तो ये इतने प्रकार जो है लवणों के उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है लवणों के उपयोग की अगर बात की जाए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, मांस और मछली के संरक्षण में अब यूज़ में आता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, NaCl की, ठीक। मानव आहार का आवश्यक अंग होता है, आचार के संरक्षण में, मांस और मछली के संक्षारण में, अनेक रासायनिक यौगिकों के निर्माण में सोडियम क्लोराइड यूज़ में आता है। तो आप क्या बता सकते हैं कि NaCl कितना उपयोगी है, NaCl कितना उपयोगी है वो आप बता सकते हैं। जब मैं सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करूँगा, यानी कि NaHCO3, ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, तो रसोई घरों में पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए औषधि के रूप में यूज़ होता है ये। अग्निशामक यंत्रों आदि के रूप में जो है बेकिंग पाउडर इसके जो है उसमें आप बता सकते हैं कि ये यूज़ होता है, ठीक है। जब आप कॉपर सल्फेट की बात करेंगे, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 का होल ट्वाइस, SO4 का होल ट्वाइस .5H2, जल के 5 अणु इसके साथ में रहते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट में क्या है, आप कीटाणुनाशक के रूप में बता सकते हैं, विद्युत लेपन में हो गया आपका, छपाई में, कॉपर का शुद्धिकरण जो होता है, इन सब में जो है यूज़ में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है लवणों की विशेषताओं को लेकर के, तो लवण की जो विशेषताएं होती हैं वो आप जो है यूज़ है, तो यही आप इसकी विशेषता बता सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड कैसे यूज़ में आता है, या ये कह सकते हैं कि ये प्रायः ठोस पदार्थ होते हैं आपके जो है जल में घुलनशील होते हैं, नमक को जल में डालेंगे घुल जाएगा, ठीक है। इनका जो गलनांक यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो क्वथनांक यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, या विशेषताओं में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जलीय विलयन जो है विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोज्य होते हैं या प्रयोग में आते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई लवण को लेकर, उम्मीद करते हैं कि आपको लवण की परिभाषा, उदाहरण, इनके प्रकार जो होते हैं, लवण के उपयोग क्या हैं, इनकी विशेषताओं को लेकर के ये आपको समझ में आया होगा। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें, पीएच वैल्यू को लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो जो पीएच मान है वो क्या होता है, घोल की अम्लीयता व क्षारकता को व्यक्त करने के लिए। आपसे कोई पूछ रहा है पीएच वैल्यू क्या है, आप लोग तुरंत बोलते हैं रक्त का पीएच इतना, या फिर बोलते हैं कि मानो के आंसू का रक्त इतना। अब ये भी जानिए कि पीएच होता क्या है।
ये अम्लीयता और जो क्षारकता होता है होती है उसको जो है दर्शाता है, उसको व्यक्त करता है। जो खोज की गई थी 1909 में डेनिश रसायन शास्त्री थे सोरेन सेन द्वारा, उनके द्वारा जो है ये खोजा गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 7 और 7 से 14, ये एक स्केल बनी हुई है। तो 0 से 7 जो है वो अम्लीय विलयन के लिए होता है, या 7 से नीचे के जितने भी होते हैं, 7 या उससे नीचे के, ठीक है, वो आपके अम्लीय विलयन होते हैं, और 7 से ऊपर वाले आपके क्षारीय विलयन होते हैं। 7 वाला जो है वो उदासीन होता है, जैसे आपका जल, आप इसमें वाटर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा है सबसे कम जो पीएच होता है वो होता है H2SO4 का 0, जी हाँ, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 0 होती है। यहाँ पे H2SO4 वो, अगर सर्वाधिक पीएच की मैं बात करूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 14 होती है। प्रबल क्षार यहाँ पे होगा, यहाँ पर दुर्बल क्षार होगा, यहाँ पे प्रबल अम्लीय एक तरीके से बोल सकते हैं, और यहाँ पर दुर्बल अम्लीय, ठीक है, अलग अलग पॉइंट से मैंने बना दिया। लिटमस पत्र को लेकर के मैं पीछे बात कर रहा था, तो आप बता सकते हैं अम्ल व क्षार के विलयन को पहचानने के लिए क्या होता है, लिटमस पत्र होता है। आप जब रिप्रेजेंट करते हैं घोल की अम्लीयता और क्षारकता को तो आप पीएच मान में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जब पहचान करनी होती है कि ये अम्ल है क्षार है तो आप लिटमस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में जो लिटमस प्रयोग में आता है वो आपका रॉसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। इसमें आगे लिखा हुआ है कि अम्ल जो है वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल जो है कर देते हैं, जबकि क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। जो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, जबकि जो क्षार है वो स्वाद में कड़वा होता है। तो बस दोस्तों इतना ही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अर्न अकेडमी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जा करके क्रैश कोर्स आप वहाँ से देख सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए प्रकरण के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।